जारी है। सैदाबाद इलाके में प्रदर्शन के दौरान पथराव तक हो गया और पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी किया गया है। ओवैसी का ऐलान इस बीच कि राजा की गिरफ्तारी होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। तौकीर रजा की धमकी, 7 दिन में गिरफ्तारी नहीं तो देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। टी राजा के निष्कासन के लिए AIMIM के स्पीकर को भी चिट्ठी लिखी गई है। तो देखिए हैदराबाद की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हैदराबाद की सड़कों पर मुस्लिम समुदाय उतरा और सैकड़ों लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया है और एक ही मांग की जा रही है कि रिहाई को लेकर के, अगर रिहाई जिस तरीके से बीजेपी विधायक की गई उसके बाद लगातार ये विरोध किया जा रहा है रिहाई का और लोग सड़कों पर है, आगजनी की जा रही है। इसी के बीच तौकीर रजा ने भी धमकी दे दी है कि अगर गिरफ्तारी को लेकर के देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। प्रोटेस्ट होंगे, क्या करेंगे आप, रोकेंगे क्या? हुकूमत के दबाव में टी राजा को छोड़ा गया जबकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया। भाई जैन का प्लान हैदराबाद आ गया। टीम ओवैसी के सामने सर काटने की धमकी। हैदराबाद में अमन तो भाईजान परेशान। हैदराबाद में जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। हैदराबाद में ये प्रदर्शन और बवाल बीजेपी विधायक टी राजा की दोबारा गिरफ्तारी की मांग को लेकर है। बीती रात हैदराबाद के सैदाबाद इलाके में लोग सड़क पर उतरे, पत्थरबाजी भी हुई, लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। मंगलवार से ही हैदराबाद की सड़कों पर हंगामा दिखाई देना शुरू हो गया था जो बुधवार को भी जारी रहा। इस दौरान पैदल मार्च से लेकर बाइक रैली तक निकाली गई। टी राजा सिंह का पुतला जलाया गया। जगह जगह सिर तन से जुदा के नारे लगाए गए। दरअसल हैदराबाद का मुस्लिम समुदाय इसलिए भी ज्यादा भड़का हुआ है कि टी राजा की गिरफ्तारी के कुछ ही घंटे के अंदर कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। और तो और राजा की रिहाई के बाद उनके समर्थकों ने आरती उतार कर उनका हीरो जैसा स्वागत भी किया। इसीलिए AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी काफी भड़के हुए हैं। अभी जिस प्रकार के प्रोटेस्ट हो रहे हैं असद साहब, हैदराबाद के माहौल बराबर प्रोटेस्ट होंगे, क्या करेंगे आप, रोकेंगे क्या? प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट में लेकिन तोड़फोड़ भी हो रहा है। सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं। प्रोटेस्ट होगा, आपके कॉर्पोरेटर प्रोटेस्ट बराबर अरेस्ट किया जा रहा है। बिल्कुल अच्छा करे, अरेस्ट करे, प्रोटेस्ट होगा बराबर, प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा जब तक जेल को नहीं जाएगा। लेकिन वायलेंस भी हो रहा है सर। कोई वायलेंस नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। हम सबसे अभी देख रहे, कल से आज तक हम लोग देख रहे कितना वायलेंस हो रहा है। सबसे अपील कर रहे हैं कि वायलेंस होगा तो भाजपा की कामयाबी होगी, अमन होगा तो भाजपा की नाकामी होगी। प्रोटेस्ट तो होगा, प्रोटेस्ट क्यों रुकेगा? कितने दिन तक चलेगा सर? जब तक जेल नहीं जाएगा। AIMIM विधायक और महासचिव अहमद पाशा कादरी ने तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष को बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ विधानसभा से निष्कासन की कार्रवाई के लिए चिट्ठी लिखी है। इधर बरेली में इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने टी राजा मामले में केंद्र सरकार को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। तौकीर रजा ने चेतावनी दी है कि अगर टी राजा को जेल नहीं भेजा गया तो वो देश भर में प्रदर्शन करेंगे।
तौकीर रजा ने यहां तक कह दिया कि आखिर कब तक वो कानून की डोर पकड़ कर चलेंगे। हुकूमत के दबाव में टी राजा को छोड़ा गया जबकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया था। तो इस किस्म की जब बेईमानियां होंगी तो कब तक कानून की डोर हम पकड़ कर चलते रहेंगे, जबकि हम ये देख रहे हैं कि कानून वाले कानून की बेहुरमती कर रहे हैं, कानून को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन जिस तरह ओवैसी ने टी राजा की दोबारा गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है, इससे आने वाले दिनों में हंगामा और बढ़ने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।